मानव मात्र के कल्याण किया जा रहा पांच कुंडीय यज्ञ, कहा महंत ने। दस्या दलों की चहलकदमी वाला गांव आज बना धार्मिक आस्था का केंद्र। जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित ग्राम सलैया बुजुर्ग, जो कभी दस्यों दलों की चहलकदमी के लिए जाना जाता था, आज वह गांव धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहां वर्ष भर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, जिससे पूरा क्षेत्र धार्मिक परंपराओं से जुड़ा रहता है। उसी क्रम में यहां पंच कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महंत आत्मा दास पुजारी, उनके अनुज सेवानिवृत्त सैनिक दाता राम महाराज अपनी विशेष भूमिका निभा रहे हैं। अनुष्ठान में हर्ष दुबे, ज्योतिषाचार्य वेदाचार्य पंडित आलोक उदयनिया, भगवताचार्य पंडित श्रीकांत शास्त्री, पंडित संजीव तिवारी आदि युवा विद्वान यज्ञ को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सभी सहयोगी जन कर रहे हैं। उनके केवल मिलावटी थे, जो उन्होंने पैसा दिया था उनको कहीं से बड़े बड़े उनको लेके आ गए और उन्होंने धार्मिक माहौल बना दिया, जबकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो भी तो संत थे, वो संत नहीं थे, वो असंत थे, जो कम से कम राष्ट्र की नहीं सोचते हैं, राष्ट्र को बहुत नीचे ले जाना चाहते थे, इसलिए वो संत नहीं, वो असंत थे। क्या लगता है कि ये जो यज्ञ करा रहे हैं, इससे धर्म का आस्था लोगों की जुड़ेगी? हाँ, क्यों नहीं, इससे लोगों को इतनी आस्था जुड़ेगी, जिससे बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ेगी, क्या जुड़ ही चुकी है। कल हमारे साथ कम से कम 40 कैरेक्टर थे और पूरे लेके क्षेत्र का आदमी था। इतना भव्य प्रोग्राम था, जिसको वहाँ देखने में हम परेशान हो गए। हमको तो ये लगता था, आंखों में आंसू आ गए थे कि कोई इतना कितने लोग आ गए हैं, जबकि यहाँ आने से इतने सबने उन्हीं को वोट दिया। मैंने जो आंसू आए थे, वो आपके पास दुख के आंसू थे या प्रेम आंसू? नहीं, प्रेम आंसू थे, दुख के आंसू नहीं थे, प्रेम आंसू थे कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ गए। कल जो कार्यक्रम का आयोजन करा रहे, वो क्या था, कौन सा कैसा कार्यक्रम? ये कल कलश यात्रा का कार्यक्रम था, और यहाँ से लेके रेंकुला गया था, रेंकुला से जो रणकुशला देवी होते हुए सिसागढ़ गया था, सिसागढ़ से फिर उन्होंने यहाँ पर अपना कार्यक्रम किया, मंगल संस्कार कराया और इनका धार्मिक आयोजन, जिससे ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को मिला करके लोगों को तोड़ा। हाँ, सीमा सही है, उत्तर प्रदेश की सीमा और मध्य प्रदेश की इतिहासी भी लगती है, उसको भी मिला के एक कार्यक्रम। ऐसा बताया जाता है कि ये गांव जो क्षेत्र है पूरा एक बहुत तरीके से प्रभावित रहा था, अब स्थिति क्या है जम्मू के बारे में? हाँ, अब यहाँ पर कोई, जब से मोदी सरकार आई तब से दस्तु प्रभावित है ही नहीं। इसके पहले इतना दस्तु प्रभावित था कि हमने अपने छोटे भाई को भी खो दिया था। अच्छा सर, डकैतों के ऐसा कुछ प्रकरण रहा जिसमें आपको अपना कुछ अपने भाई को भी डकैतों के बीच में ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, हुआ है, क्यों, हमने अपने भाई को उन्होंने मार दिया कि ये नेता है, तो दो दिन में मारने दिया। चलिए, बहुत अच्छा हुआ, कम से कम आपने ये जो है धार्मिक आयोजन किया और इससे लोगों को जोड़ा, एक आस्था का केंद्र बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का अंतिम सीमांत गांव जनपद जालौन का कैलिया का सलैया बुजुर्ग, और ये मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पंच कुंडीय महायज्ञ कराया जा रहा है, और ये पंच कुंडीय महायज्ञ पहली बार नहीं, यहाँ पर एक धार्मिक माहौल है, और एक समय ये था कि पूरा क्षेत्र दस्तु प्रभावित रहा करता था। ये धार्मिक माहौल बनाने के बाद, धार्मिक आयोजन होने के बाद ही यहाँ पर आज पूरा क्षेत्र धर्ममय है, और आज से ये पंचकुंडीय महायज्ञ शुरू भी हो रहा है। तो हमारे बीच में आयोजक हैं, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी काम करते रहे, उस समय विश्व हिंदू परिषद और उसके आनुषांगिक संस्थाओं में काम करते हैं, महंत आत्मा दास जी पुजारी, और उन्होंने संघ को लेकर के कई कार्यक्रम, बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजन किए हैं। तो आज इस पंचकुंडीय महायज्ञ के संयोजक भी हैं, इन्हीं के नेतृत्व में ये धार्मिक आयोजन किया जा रहा है, क्यों ना आज इनसे कुछ बात की जाए। तो महाराज जी, ये कब से और कब तक होने वाला है, और उसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है? ये कल से प्रारंभ हुआ है, ये
नहीं है, 23 तारीख से प्रारंभ किया है और ये 1 तारीख को भंडारा होगा, भंडारा भी भव्य भंडारा होगा। और ये उद्देश्य इसका है, जो लोगों में अनास्था फैल रही है उसको आस्थावान बनाने के लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है। क्योंकि इसके पहले लोग जो कांग्रेस की सत्ता जब रहती थी वो धर्म को मानती भी नहीं थी, इस समय सभी लोग धर्म को मानने लगे होंगे और वो हमारे जो वो हैंगे का नाम इनका क्या नाम मोदी जी, तो मोदी जी का इतना योगी है कि वो जाके वहाँ गुफा में भी बंद रह के और भगवान का नाम लेता है। इसके पहले कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता था तो उस समय बंद किया जाता था, यहाँ पर कोई लाइट भी नहीं देते थे, यानी जिनकी आस्था जो थी आस्था को ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए अब आस्थावान लोग हैं, इनको दिखा दिया है कि आज भी विश्व हिंदू परिषद क्या क्या नहीं कर सकती है, हमारा इतना बाहुबल है कि हम जिसको बनाएं वही बन सकता है। महाराज जी, मैं तो धार्मिक का प्रचार प्रसार के नाते आपसे बात करने आता, लेकिन चूंकि आपने इसको मामले को राजनीतिक जोड़ दिया है तो यूँ कहा जाए कि कांग्रेस के लिए भी अभी आपने देखा होगा एक कंप्यूटर महाराज करके थे और एक दूसरे संघ से जो जहाँ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे उनके विपक्ष में कौन है जो मैडम चुनाव लड़ रही थी, प्रज्ञा ठाकुर जी चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने ये तय किया था, वो महत्व लगे थे कि नहीं ये दिग्विजय जीत के ही मान्यता, क्या लगता है कि संत कांग्रेस के साथ थे और ये नहीं थे, उनके केवल मिलावटी थे जो उन्होंने पैसा दिया था उनको, उनको कहीं से बड़े बड़े उनको ले के आ गए और उन्होंने धार्मिक माहौल बना दिया जबकि वो कुछ नहीं कर सकते थे। वो भी तो एक संत थे, ये वो संत नहीं थे, वो असंत थे जो कम से कम राष्ट्र की नहीं सोचते हैं, राष्ट्र को बहुत नीचे ले जाना चाहते थे, इसलिए वो संत नहीं वो असंत थे। तो क्या लगता है कि ये जो यज्ञ करा रहे हैं इससे धर्म का आस्था लोगों को जुड़े? हाँ क्यों नहीं, इससे लोगों को इतनी आस्था जुड़ेगी जिससे बहुत ज़्यादा आस्था जुड़ेगी कि आज जुड़ ही चुकी है। कल हमारे साथ कम से कम 40 कैरेक्टर थे और पूरे लेके क्षेत्र का आदमी था, इतना भव्य प्रोग्राम था जिसको वहाँ देखने में हम परेशान हो गए। हमको तो ये लगता था आंखों में आंसू आ गए थे कि कोई इतना कितने लोग आ गए हैं जबकि यहाँ आ रहे थे, जिनने सबने उन्हीं को वोट दिया। मैंने जो आंसू आए थे वो आपके पास दुख के आंसू थे या प्रेम आंसू? नहीं, प्रेम आंसू थे, दुख के आंसू नहीं थे, प्रेम आंसू थे कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं। कल जो कार्यक्रम का आयोजन करा रहे वो क्या था, कौन सा कैसा कार्यक्रम? ये कल कलश यात्रा का कार्यक्रम था और यहाँ से लेके रेंकुला गया था, रेंकुला से जो रणकुला देवी होते हुए और सिसागढ़ गया था, सिसागढ़ से फिर उन्होंने यहाँ पर अपना वो कार्यक्रम किया, मंगल संस्कार कराया और इनका धार्मिक आयोजन जिसके लिए बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ी। ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा को मिला करके लोगों को जोड़ रखा है? हाँ ये बात सही है, उत्तर प्रदेश की सीमा और मध्य प्रदेश की यहाँ से थोड़ी जो इतिहासें भी लगती है उसको भी मिला के एक कार्यक्रम बहुत अच्छा। ऐसा बताया जाता है कि ये गाँव जो क्षेत्र है पूरा एक बहुत पहले से प्रभावित रहा था, अब स्थिति क्या है दशमलव के बारे में? हाँ अब यहाँ पर कोई जब से मोदी सरकार आई तब से दस्तु प्रभावित है ही नहीं, इसके पहले इतना दस्तु प्रभावित था कि हमने अपने छोटे भाई को भी खो दिया था। तो सर डकैतों के ऐसा कुछ प्रकरण रहा जिसमें आपको अपना अपने भाई को भी डकैतों के बीच में कुछ ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ हुआ है, क्यों हमने अपने भाई को उन्होंने मार दिया कि ये नेता हैं तो उन्होंने नहीं टिकने दिया। चलिए बहुत अच्छा हुआ, कम से कम आपने ये जो है धार्मिक आयोजन किया और इससे लोगों को जोड़ा, एक आस्था का केंद्र बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप